Hi, this is Simar Singh and these are my Balle Bali shots. फोटोग्राफी स्टाइल मेरा मेन फोकस हुंदा कि जिहड़ी भी आपां फोटो क्लिक करदे हां, चाहे वह बर्ड की है चाहे मॉडल की है, बस फोटो शार्प होवे। मेन मेरा उस वाली ध्यान हुंदा क्योंकि शार्प फोटो होगी तो पोस्ट प्रोसैसिंग बहुत ईजी हो जाती है। वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी पहले मैं वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट की थी। वो इदा ही एक दिन मैं अपनी फ्रेंड नाल लेक ते गया सी फोटो क्लिक करन, तां मैं उहदी फोटो क्लिक कर रहा सी, तां एक ना पाइटिंग फिश हुंदा तां उह होवर कर रहा सीगा लेक ते, उदों पानी घट सी काफ़ी, तां फिर मैं उहनूं क्लिक करन लग गया। तां हौली हौली फिर मैं काफ़ी टाइम लगाया उहनूं क्लिक करदे हुए, तां फिर अग्गे मैं होर देखा दो तीन बर्ड्स होर सीगे, एक हुंदा ओपन बिल स्टॉक, तां फिर मैं उहनूं क्लिक करन लग गया। इदा ही फिर मैं आना जाना उत्ते लग गया जी, लेक ते मैं जाते रहना हुंदा सी मतलब वीक विच वीकेंड ते, तां बस उत्थों इंट्रस्ट पै गया। हौली हौली मैं अपग्रेड किए गियर, तां फिर मैं अगे लोगों नाल मिलिया, जिवें सोलन गया, चक्की मोड़ गया, बस इदा ही फिर अगे अगे इंट्रस्ट बनता गया। तो फैशन फोटोग्राफी मैं बाद विच स्टार्ट की सी, जिवें एक मॉडल नाल पहला मैं कॉन्टैक्ट किया सी, तां उत्थों मैनूं मोटीवेशन मिली होर, फिर अगे नैक्सट फिर मॉडल नाल किया, इदा ही अगे अगे वह भी ग्रो करता गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सब तो मुश्किल हुंदा कि जिहड़े छोटे बर्ड आ ना वो काफ़ी मतलब मूवमेंट करते हैं, जिवें वार्बलर हो गए, होर भी काफ़ी बर्ड। सो मेन हुंदा कि आपां अपने कोल मिली सैकेंड हुंदे ने, सैकेंड हुंदे ने कि आपां फटाफट उहनूं किस एंगल तो क्लिक करना कि लाइट उहदे अगेंस्ट आ जां उहदे ते पैरी उहदी आई क्लीयर आ नहीं, तां मेन हुंदा एक्सपैक्ट कि आपां एक्शन किदां कैप्चर कर रहे हैं, किन्नी जल्दी कर रहे हैं, सैटिंग्स की फटाफट सैटिंग चेंज करनी हुंदी हैं। सो मेन उही हुंदा कि आपां फोटो शार्प क्लिक करनी है ते किस एंगल तो करनी है ते लाइट वगैरह की हुंदी उहदी। फैशन फोटोग्राफी में मेन हुंदा कि लाइट ज़्यादातर, क्योंकि लाइट अगर थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो फेस से शैडोज़ आ जाएँ, अखा अगे अखा के नीचे शैडोज़ आ जाएँ, तो जी मॉडल आ तो लाइट उत्ते प्रॉपर पै रही है, ज़्यादा ओवर एक्सपोज भी ना हो लाइट, तो अपन सैटिंग वगैरह सारिया देखनिया पैदा ने। सो मेन ये आ गई लाइट फैशन फोटोग्राफी में। इंस्पीरेशन जे मैं वाइल्डलाइफ की कह वाइल्डलाइफ लिए मैं आउल्स बहुत पसंद आ, तो आउल्स जो काफ़ी सोहने स्नो आउल, तो लोंग ईयर्ड आउल, तो ग्रेट ग्रे आउल, वो सारे कैनेडा तो कैनेडा होंगे ने, तो मैं उत्थों के तीन चार फोटोग्राफर ने कैनेडा जिन्होंने मैं फॉलो करदा, तो बस वो काफ़ी अच्छे ने, तो दो तीन अपने साउथ में ने फोटोग्राफर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, तो उन्होंने काफ़ी मैं इंस्पायर हूँ उन्होंने फोटोज़ देख के। कैमरा एक्चुअली वाइल्डलाइफ लिए जो मैं यूज़ कर रहा वो है D500, तो क्योंकि D500 काफ़ी फास्ट आ, तो 10 FPS आ, तो फैशन लिए मैं यूज़ करता मिररलैस निकॉन का G62, बिकॉज उसदे विच कंट्रा होंदी आ, काफ़ी फोकस ईजी हो जाता उस वीडियो लिए, DSLR विच वीडियो ईजी नहीं होंदी थोड़ी भी, मतलब फोकस हंट हुंदा रहिंदा। सो मेरे गियर है G62 तो D500 दोनों निकॉन दे। बैग विच मेरे बेसिकली ज़्यादा लेंस नहीं होंदे, सिर्फ एक बॉडी होंदी आ ते एक लेंस होंदा जो दे नाल अटैच होंदा ऑलरेडी, तो हाँ एक दो चीज़ा श्योर होंदियां, जिवें वाइल्ड लाइफ लई एक्स्ट्रा बैटरी बहुत जरूरी है ते एक्स्ट्रा मैमरी कार्ड। सो फैशन लई मेरे कोल मैमरी कार्ड होंदे ने एक्स्ट्रा, सो बेसिकली आही चीज़ा होंदियां। मैं लाइट वेट ही रखदा ज़्यादा बैग, नहीं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, बिकॉज मैनू ना शुरू तो ही शौक सीगा फोटोग्राफी का। पहला जिवें फोटोग्राफी करते सी स्कूल टाइम, मेरे को मेरे घर दे ने कैमकॉर्डर लिया सीगा तां वो यूज़ करता सी, फिर मोबाइल आ गए, फिर कॉलेज टाइम मोबाइल के थ्रू करन लग गए, तो हुण मैं 2017 तो मतलब इदा जदों दे मेरा लैस DSLR ते मेरा लैस आया मैं उही यूज़ करदा। तो मेरा मेन आ कि जो मैं स्टडी करदा वो रोज़ मैं करनी हुंदी आ 1 घंटा या 1.5 अद्धा घंटा, तो उस ऑनलाइन ही सारा रिसर्च करता हूँ मैं कि सैटिंग होंगे तो कि सैटिंग ज़्यादा वधिया होंगे, वो सारा कुछ ऑनलाइन ही स्टडी करता मैं। हाँ जी, पोस्ट प्रोसैसिंग मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी जरूरी आ, क्यों उन्ना ही रोल पोस्ट प्रोसैसिंग का होंगे जिन्ना आप फोटो क्लिक करते हैं, जो 50% आप कैमरे तो फोटो क्लिक कर ली तो 50% आ जाती अपनी पोस्ट प्रोसैसिंग। सो मैं कोशिश करदा कि पोस्ट प्रोसैसिंग में अपनी इमेज जिनी ओरिजिनल रहे, कलर्स जिन्ने ओरिजिनल रहन, तो मैं उन्ने ही रखदा ओरिजिनल रखदा, मतलब ज़्यादा ओवर पोस्ट प्रोसैस नहीं करता फोटोज़ में।
वाइल्ड लाइफ विच मेरी बेस्ट जो फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ की लोकेशन आ वो हैगी सोलन चक्की मोड़, क्योंकि उत्थे बहुत वधिया बर्ड्स ने, कलरफुल बर्ड्स ने, तो जो अपने ओवरऑल जे आपां देखिए चंडीगढ़ पंजाब एरिया नहीं मिलते, तो एक सोलन चक्की मोड़ मेरी बेस्ट लोकेशन आ, फेवरेट लोकेशन वाइल्ड लाइफ लई। तो फैशन फोटोग्राफी लई जिदा काफ़ी इतने ग्रे वॉल्स ने, जिदा सैक्टर 17 सैक्टर 32 एक थिएटर आ, सैक्टर 37 थिएटर आ, तो उन्होंने काफ़ी वधिया फैशन फोटोग्राफी होंगी है, तो मैं ऑलरेडी 5-6 शूट किए हुए हैं। नवे फोटोग्राफरस लई मेरी एक ही एडवाइस आ कि आप जिहड़ी भी फोटो क्लिक करिए थोड़ी शार्प होवे, क्योंकि जे अपने मॉडल जिन्हें भी वधिया होणगे या लोकेशन जिनी वधिया होगी, आउटफिट या मेकअप जिन्ना वधिया होएगा, अगर आपां नूं ब्लर कर देंगे फोटो नूं थोड़ी जी सैटिंग करके भी अपनी जो ब्लर होगी तो वह फिर अपने यूज़ विच नहीं आ सकती। सो मेन एक्सपैक्ट हो जांदा कि फोटोग्राफी का कि आप जिहड़ी भी फोटो क्लिक करिए थोड़ी शार्प होवे। सो मेरी यही एडवाइस आ कि आप जिते भी जाने एक बार सैटिंग देख लीए, रीकनफर्म कर लीए शॉट तो पहला कि सैटिंग अपनी ठीक है। एक्चुअली मैं हुण जे कंपेयर करदा अपनी फोटोज़ नूं तां मैनूं लगदा कि स्टार्टिंग विच मैं इंप्रूव कीता तां मिस्टेक तो ही कीता एक्चुअली, क्योंकि जिहड़ी जिहड़ी मैं फोटो क्लिक करदा सी मैं उहदे विच ऑनेस्ट रिव्यूज़ लोकां दे भी लैंदा सी, आप दे भी लैंदा सी कि इहनूं आपां नैक्सट टाइम किद्दां इंप्रूव कर सकदे हां। सो इदां इदां करके ही अगे इंप्रूवमेंट हुंदी आ थोड़ी, तां मैं हुण जे पुरानियां फोटोज़ देखदा उह काफ़ी हुण दीआं फोटो उन्हां नाल काफ़ी डिफरेंट ने। हाँ जी, जे वाइल्ड लाइफ की गल करिए तो मैं 2020 ताल चापर गया से, उत्थे रैप्टर्स मिलते हैं, तो जो माइग्रेशन लई आउंदे ने रैप्टर जिवें वाइट आई बजर्ड, तो उन्हां दीआं फोटोज़ अज तक दीआं मेरीआं बेस्ट फोटोज़ ने। तो उस तो अलावा फैशन फोटोग्राफी विच एक मॉडल ने दीप सहगल, तो असीं उन्हां दा एक नॉर्मल शूट इनडोर शूट किया, तां जो उन्हां दा रिजल्ट आया बहुत वधिया आया, तां मेरी हुण तक दी जो फैशन फोटोग्राफी विच फेवरेट फोटोज़ ने उन्हां दी ने, दीप सहगल दी। फेवरेट एसेसरी मेरी हुण जो मैं यूज़ कर रहा ब्रांड वो कर रहा निकॉन, तो मेरे फेवरेट लेंस ने 85 1.8 1.4 ते 50mm 1.2, तो ये मेरे फेवरेट ने। बाकी जो वाइल्ड लाइफ की गल करिए टैलीफोटो 500 5.6 PF निकॉन का, वो मेरा मैनू बहुत वधिया लगता। तो Z9 कैमरा जो आया वाइल्ड लाइफ लिए, मतलब बेसिकली आप दोनों लिए यूज़ कर सकते हैं फैशन लिए भी, बट वो बहुत वधिया, तो वो मेरे फेवरेट ने हुण तक दे। फैशन फोटोग्राफी नाल जे मैं गल करा तो जिन्ने भी मॉडल्स ने तो वो सारे वधिया ने, तो मैं उन्होंने काम दोबारा किया भी आ, तो मैं कोशिश करदा कि दोबारा उन्होंने फिर काम करा। तो वाइल्ड लाइफ विच मेरी यही कोशिश है, मैनू नैट जियो शुरू तो पसंद सी, नैशनल जियोग्राफी नैट जियो, तो मैं फ्यूचर विच सोचदा कि मेरे आर्टिकल्स उन्हां दे चैनल ते या उन्हां दे प्लेटफॉर्म ते पब्लिश होन। सो मेरा वाइल्ड लाइफ विच यही आ फ्यूचर प्लान कि उन्हां नाल मैं काम करा नैट जियो नाल। वाइल्ड लाइफ लई मैं सलीम अली उन्हां दी बुक आ उन्हां नूं फॉलो करदा, बुक पढ़ी भी आ, काफ़ी वधिया बुक आ, उहदे विच काफ़ी वधिया नॉलेज दित्ती हुई अपनी बर्ड्स दी। ते होर बाकी जो नॉलेज लैनी हुंदी मैं ज़्यादातर इंटरनेट तो ही सर्च करदा। फैशन फोटोग्राफी लई जे मैं लेंस यूज़ करना चाहूँगा पूरी लाइफ लई तो वो हैगा 85mm 1.8, ते वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लई मैं चूज़ करूँगा 500mm PF लेंस 5.6 aperture। मेरे एक्चुअली इंस्टाग्राम से भी वाइल्ड लाइफ लई गुरसिमरत फोटोज़ यूज़र नेम आ, ते गुरसिमरत फोटोज मेरा फेसबुक आ वाइल्ड लाइफ लई, ते मेरी एक वैबसाइट भी आ गुरसिमरत फोटोज.com, उत्थे भी तुसी मेरा अपना सारा ही वर्क अपलोड किया, लाइक मेरी लैंडस्केप्स, फैशन फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ अते मैक्रो फोटोग्राफी। तो उस तो अलावा अगर तुसी फैशन फोटोग्राफी, मेरा इंस्टाग्राम हैगा face.in.frame, उत्थे फॉलो कर सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू।